नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जीके न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त अभी मनु सिंह। चलिए ले चलते हैं आपको बिहार के बेगूसराय जिला, जहां बिहार के शराबबंदी का सच क्या है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बीरपुर थाना परिसर में किया गया सैकड़ों लीटर शराब विनिष्टीकरण। बताते चले बीरपुर थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त विदेशी और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण अधिकारियों के देखरेख में की गई। उक्त शराब विनिष्टीकरण का कार्य उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर राकेश प्रकाश, बीरपुर अंचलाधिकारी भाई वीरेंद्र, बीरपुर थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार की उपस्थिति में किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि विभिन्न कांडों के अलग अलग कुल 6 मामलों में जब्त 638 लीटर विदेशी एवं 9 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर बीरपुर थाना के एसआई दयाराम, वीरेंद्र कुमार समेत अन्य बीरपुर थाना के पुलिस बल वो जवान सही चौकीदार वो दफादार मौजूद थे। बताते चले ये शराब विनिष्टीकरण का जो कार्य किया गया वो बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना में किया गया, और ये जो शराब विनिष्टीकरण का कार्य जो किया जा रहा है, और ये जो लगातार बिहार में शराब मिल रहे हैं, जिससे कि आपका विपक्षी दल जो है कि वो जिस लगातार शराब के ये कार्यशैली, शराबबंदी के कार्यशैली पे उंगली उठा रहे हैं, यहाँ तक कि आपका खुद सत्ता दल के भी नेता, हम पार्टी के संस्थापक ने भी शराबबंदी कानून पे बहुत तक्ष सवाल भी सरकार से पूछे थे, जो बता रहे थे क्या तो आखिर बिहार में जब शराबबंदी है ही नहीं तो क्यों इस शराबबंदी के कांड में गरीब गुरबों को इसमें पीसा जा रहा है। तो चलिए बीरपुर से ये खबर देखिए, और बीरपुर से जीके न्यूज के लिए संतोष चौरसिया की रिपोर्ट।